हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रवा इडली और सांभर की रेसिपी। बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। रवा इडली चावल की इडली से कंपेयर में बहुत जल्दी बन जाती है, तो वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 750 ग्राम सूजी। आप जितनी बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए बटर मिल्क यानी कि छाछ। आप चाहें तो इसे दही में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास अभी छाछ थी तो मैं इसमें बैटर बना रही हूँ इसका। अगर आप दही ले रहे हैं तो जितनी आपने सूजी ली है उतना ही आप दही ले लीजिएगा। देखिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी छाछ डालती जा रही हूँ, हल्का सा बाइंडिंग आ गई है सूजी में, इतनी ही हमें छाछ डालनी है। अगर आपकी छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, पर मेरी छाछ एकदम फ्रेश थी। अब इसमें कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम डालेंगे पानी। पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है। 1.5 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक और 1/2 टीस्पून डालना है खाने का सोडा। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। थोड़ी देर मैंने ढक के रखा था क्योंकि सूजी है, सूजी थोड़ा एब्जॉर्ब करती है पानी को। और इसमें डालना है एक तड़का। तो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें डालना है थोड़े से राई और इसका एक तड़का लगाना है। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है ये। मैंने लिया है 1 कप अरहर की दाल, इसे अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। और लौकी और आलू इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। आपके पास जो सब्जियाँ अवेलेबल है या जो सब्जी आप खाना इसमें पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर यही सब्जियाँ यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून डालना है इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालना है नमक और पानी डालकर इसकी 4 से 5 विसल आने तक हमें कुक करना है। देखिए अच्छे से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गई है दाल और सब्जियाँ। अब इसे रखना है साइड पे। इसके लिए बनानी है हमें ग्रेवी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 लिए टमाटर, ये छोटे वाले टमाटर थे इसलिए मैंने 5 लिए हैं। और टमाटर हरी मिर्च को हमें फाइन ग्राइंड करना है और 2 लिए मीडियम साइज की प्याज, इसे भी हमें बारीक चॉप करना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर इमली भिगो कर रखी थी, 50 ग्राम इमली है ये। जो थोड़ी खट्टी मीठी वाली इमली आती है वो है ये। अगर आपके पास इमली ज़्यादा खट्टी है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम डालिएगा। आप सांभर को एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, आपको जितना खट्टा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से छान कर डालना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डाला है थोड़े से राई के दाने। जैसे ही राई क्रैकल हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट कर रखी थी। और उसके साथ ही हमें डालना है 1 मुट्ठी मीठे नीम के पत्ते। अगर इसे आप डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे प्याज के साथ डाला है जिससे कि ये जले भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। और 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया है नमक जिससे कि प्याज हमारी अच्छे से जल्दी ब्राउन हो जाएगी। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें डालना है टमाटर जो हमने प्यूरी पीस के रखी थी। 1.5 टीस्पून डालना है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये मैंने डाला है होममेड सांभर मसाला। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। मैं हमेशा घर का ही सांभर मसाला यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप एक बार ये घर का बना हुआ सांभर मसाला यूज़ करके देखिए, फिर आपको बाहर का मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सारा मसाला अच्छे से पक गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब ये सारा हम सांभर में डालेंगे। सांभर को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल करना है। एक बार हाई फ्लेम पर बॉईल कीजिए, जैसे बॉईल आ जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए, 15 से 20 मिनट तक कुक कीजिएगा, जिससे सभी मसाले सांभर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सांभर जब तक कुक हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं हमारी इडलियाँ। देखिए इसका बैटर भी अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है, कितनी अच्छी सी जालियाँ दिख रही है इसमें। इसी से हमारी इडलियाँ अच्छी बनती हैं। और जो इडली की ट्रे थी उसमें हमने ऑयल लगा कर ग्रीस किया है। और इडली मेकर है, इसमें हमें नीचे पानी डालना है, उसके ऊपर रखी है जाली और इसे गर्म करने के लिए रखना है। और देखिए हमने डाला है इनो, इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा पानी। इनो आप एकदम लास्ट में डालिएगा, जब आप पूरी तैयारी कर ले उसके बाद डालिएगा, वरना इसकी जो एक्टिवेट होता है ये उसकी गैस निकल जाती है। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स मत करना। आप पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पानी की कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर लीजिए, लास्ट में इनो डालिएगा। बैटर हमें इडली प्लेट्स में ट्रांसफ़र करना है थोड़ा थोड़ा, उसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट कुक करना है। 10 से 12 मिनट में अच्छे से कुक हो जाती है।
आप 10 से 12 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। आप नाइफ डाल के चेक कीजिए, नाइफ क्लीन आए तो आपकी इडली बन गई है। अगर थोड़ा सा कच्चा लगे तो आप इसे थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं। देखिए हमारी इडली अच्छे से पक गई है, इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बन के रेडी हुई है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, एकदम स्पंजी इडली है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी भी यूज़फुल लगी है, कुछ भी पार्ट आपको इसमें अच्छा लगा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप डोसा या चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।